वेलकम टू मोमिन जहांगीर अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये मैथ्स पजल है। इसमें स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि कौन सी वैल्यू आएगी। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का हिंट हमें इन दोनों से ईजीली मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं ये 12 किस तरह से आया है और ये 18 किस तरह से आया है। तो स्टूडेंट्स, देखने में तो वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट इट्स वेरी वेरी इजी। नंबर फर्स्टली मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ फर्स्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और जो सेकेंडली ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो डिवीजन ऑपरेशन है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्टली इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। सो 5 3 15, 15 4 60, 62 120। तो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया है वो 120 है। 120 को डिवाइड किया गया है 10 पे, यहाँ से ज़ीरो कट हुआ और ये आ गया आंसर 12। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 12 हमारा आंसर आ गया है। सेम ट्रिक यहाँ अप्लाई की गई है, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया गया है। सो 5 6 30 32 60 60 3 180। नाउ 180 को 10 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से ज़ीरो कट हुआ और ये 18 लेफ्ट है, और यही हमारा आंसर है 18। यू कैन सी, गॉट इट स्टूडेंट्स। अब तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि हमारा यहाँ आंसर क्या होगा। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको। सो 5 2 10 10 2 20 20 2 29 180 180 को 10 पे डिवाइड करना है। सो ज़ीरो कट हुआ और ये 18 बचा। सो इट मीन्स इट्स आवर आंसर, यही हमारा आंसर है 18। गॉट इट स्टूडेंट्स। सो इट वॉज आवर टूडेज लेक्चर। नाउ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर मोमिन जहांगीर अकेडमी। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।